और आपने कैट के साथ साथ आईबीपीएस पीओ और क्लार्क कार आपको आरबीआई का जो प्रिपरेशन कर रहे हो, आरआरबी का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका जो फॉर्म फिलअप कर दिए हो ऑलरेडी, तो इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से सुनो। नेक्स्ट महीने में जब एग्ज़ाम होगा इसका जो प्रिपरेशन जो है, कैट का प्रिपरेशन है, स्नैप का प्रिपरेशन है, आईएफटी का प्रिपरेशन है, कैट सैस स्नैप आईएफटी थोड़ा सा हाई स्किल्ड है बट दे आर बेसिक स्किल, बट आज का डेट में कोई भी बेसिक नहीं है। उसमें आपको 1,000,000 लास्ट ईयर एग्जाम दिया था एंड कैट में दिया था 2,30,000 एंड इस बार हो सकता है कि 2,50,000 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान दे के सुनो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ एनी एग्जामिनेशन इज दैट यू हैव टू प्रैक्टिस मोर, मतलब क्या है ना, आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा जितना सारा आपको जहाँ पर आपको ऑनलाइन में आपको मॉक टेस्ट में फ्री मिल रहा है, फ्री मॉक टेस्ट दीजिए। हर जगह में रजिस्टर करना पॉसिबल है नहीं, वो मुझे भी पता है। आईबीपीएस क्लार्क आरआरबी के लिए खास करके मैं बोल रहा हूँ, जो नेक्स्ट आपको मंथ में एग्ज़ाम होगा, मतलब प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, उसमें से आपको हाई स्कोर करना है तभी जाके आपको होगा। क्योंकि क्या है आज का डेट में कैंडिडेट बहुत हाई है एंड कॉम्पिटिशन इज सो हाई, ठीक है ना। तो आपको इंग्लिश रीजनिंग एंड आपको डीआईएन क्वांट जो मिल के आते हैं उसको प्रैक्टिस करो एंड आपको बिल्कुल उसमें कन्वर्ट हो जाएगा अगर आपने बहुत प्रैक्टिस कर लियो। मतलब क्या एक एक क्वेश्चंस जो है ना चुन चुन के आपको करना पड़ेगा तब जगह होगा, अदरवाइज मुश्किल है। क्योंकि क्या है ना आज का डेट में सब कोई दौड़ रहा है, कोई कोई आपको यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा है उस सोचता है कि कैसे हमको आईबीपीएस पीओ मिल जाए, आईबीपीएस क्लार्क हम बन जाए, ऐसे ही हो रहा है, ठीक है ना। यूपीएससी का प्रिपरेशन करते करते सोचते हैं कैसे हमको एमटीएस मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे होता है बिकॉज लाइफस्टाइल ऐसा चेंज हो चुका है, नौकरी का इतना हाहाकार है आप लोगों को बता नहीं सकते। अब एमबीए कर रहे हो, एमबीए का प्रिपरेशन कर रहे हो, दैट इज़ वेरी गुड, साथ साथ इसका भी प्रिपरेशन करो। एट द इम्पोर्टेंस ही है, नौकरी तो आपको करना पड़ेगा ना, तभी जाके होगा। जो कुछ भी नहीं कर रहा है उसके लिए ये वाला वीडियो, एंड प्रिपरेशन करो मॉक टेस्ट, तो दैट इज़ वेरी इजी एग्जाम बट यू हैव टू स्टडी हार्ड बिकॉज एक घंटे का प्रिलिमिनरी एग्जाम है, उसमें फाड़ के आना है तभी जाके हो पाएगा, अदरवाइज आपको नहीं होगा। वन सेकंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, थैंक यू।